हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पुनः आज एक बहुत अच्छी चीज़ जो समीक्षा अधिकारी में 100% वहाँ से 2 से या 3 क्वेश्चन आते हैं, और मैंने देखा है कभी कभी वहाँ 3-3, 4-4 क्वेश्चन रख देते हैं जबकि बहुत छोटा पोर्शन है उसका। तो क्यों ना हमने सोचा उसको करा दिया जाए, और ये जो पोर्शन है वो चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अन्य वनडे एग्जाम, सभी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज बताने जा रहे हैं कि कैसे विदेशी यात्री आए हैं, यात्री की बात नहीं, ये जो दूत आए हैं, और दूत भेजते कौन थे, उस देश के राजा लोग, जहाँ पर शासन होता था और अपने दूत भेजते थे, जाओ भाई एक जगह से दूसरी जगह जाओ और मेरा संदेश लेकर जाओ, और वहाँ यानी कि व्यापार के लिए या मित्रता के लिए अच्छा व्यवहार करो, जिससे कि एक देश जब दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध बनते हैं तो निश्चित है कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। प्राचीन काल से देखा गया है कि जब विदेशी यात्री आते थे तो अपने देश की बात दूसरे देश में रखते थे, ऐसे फिर आवागमन होता है, और निश्चित है कि एक देश जब दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे होंगे तो निश्चित अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। और यही कारण है कि आज हम लोग विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यापार वाणिज्य कई देशों के साथ होने लगा है। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बताया जाए कि मध्यकालीन में कितने दूत आए हैं और किन किन राजाओं के शासन काल में आए हैं। तो जुड़े रहिए NKS लर्निंग कैंपस में। आज पुनः आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जरा देखिए। जैसे कि ये आने का समय है, ये विदेशी यात्री हैं, और ये किसके समय आए हैं, यानी कि शासन काल किसका रहा है, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि मार्को पोलो, ये विदेशी यात्री जो था कौन था, मार्को पोलो, ये कहाँ का था, तो यही चीज पूछ देते हैं कि मार्को पोलो जो आया वो किस देश का था। अब ऑप्शन में दे देंगे, पुर्तगाल है, इटली है, फ्रांस है, जापान, तो याद रखना ये इटली का यात्री था। कहाँ का, इटली का यात्री था। कब आया था, 1228 में, 88 में आया और 1292 तक रहा। किसके समय आया, तो याद रखना कि ये पांड्र राज जो था शासन, तो पांड्र राज के शासन काल में ये आया था, ठीक है। तो याद रखना मार्को पोलो किसके शासन काल में आया, ऑप्शन 4 होगा कि पांड्र राज होगा, या विजयनगर में आया था, या दिल्ली संत काल में आया था, या मुगल काल में आया था। तो अगर मालूम है तो पांड्र राज क्वेश्चन सही हो जाए। अगला देखिए कि 1333 से 42 तक जो इब्न बतूता आया था, ये कहाँ का था, मोरक्को का था, यानी कि अफ्रीकी यात्री था। कहाँ का था, अफ्रीकी यात्री था, और किसकी शासन काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इसको काजी के पद पर, याद रखना कि काजी के पद पर इसकी नियुक्ति कहाँ की थी, एवं किसने, ये MBT ने, तो दिल्ली में की थी। दिल्ली में इसको काजी के पद पर नियुक्त किया गया था, याद रखना कहाँ पर, दिल्ली में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मोरक्को, ये इब्न बतूता, इससे फिल्म भी बनी है, याद रखना। और ये जब यात्री आया उस समय यहाँ का शासनकाल किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। कहा जाता है दिल्ली संत काल का सबसे विद्वान सुल्तान कौन था, तो यही था जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता। अधिक विद्वान होना भी कभी कभी पागल के संदेश देने लगा। तो ये चीज, ऐसा सुल्तान था ये कि होली और दीपावली के त्योहारों में भाग लेता था एक मुस्लिम शासक। ये इसका जिक्र कौन करता है, इब्न बतूता करता है। उसने कहा कि वास्तव में एक दिल्ली संत काल का ऐसा सुल्तान जो बहुत उदारवादी था, जो सबके हित के लिए कार्य करता था,
और यह भी है कि अगर देखा जाए सबसे बड़ा भूभाग पर शासन करने वाला कौन था, तो यही था सबसे बड़ा सम्राट। इसके समय कितने प्रांत थे, तो 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 23 प्रांत थे। ठीक है, अगला शासक, अगला यात्री कौन आया, 420 से 422 में निकोलो कोंटी आता है। ये कहाँ का यात्री था, यह भी इटली का था। अब देखो मार्को पोलो यह भी इटली का, निकोलो कोंटी यह भी इटली का यात्री था। अब ये किसके समय आया था, तो देवराय प्रथम के समय आया था। किसके समय आया, देवराय प्रथम के। ये देवराय प्रथम जो थे, ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था। कहा जाता है देवराय ने अपनी सेना में यानी कि मुसलमानों को भी भर्ती किया था, यानी कि तुर्की लोगों को सेना में भर्ती करने वाला कौन था, तो देवराय था। तो विजयनगर साम्राज्य का यह भी एक महान शासक हुआ। इसके बाद 1442 से 43, अब देखो 1442 43 में एक अभी यात्री आया और आया, ये अब्दुल रज्जाक आया। कहाँ का था, तो ईरान का था ये। और किसके शासनकाल में आया, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। यहाँ पर देवराय प्रथम है, ये देवराय द्वितीय है। ठीक है, यह भी बहुत महान शासक था देवराय द्वितीय, विजयनगर का ये शासक था। ठीक है, अगला यात्री निकोलो, अब 1770 से 74 तक कौन आया, तो निकेतिन आया था। निकेतिन ये रूसी यात्री था। ये कहाँ का था, तो रूस का आया था। और किसके शासनकाल में आया था, तो बैमनी राजा जो था मोहम्मद तृतीय, इसके समय आया था। देखो एक चीज याद रखना, विजयनगर और बहमनी इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और वो युद्ध कौन सा था, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या ताली कोटा का युद्ध, ये युद्ध हुआ था। और कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य का वहीं से पतन होता है। ठीक है, वो अच्युत देवराय के समय। अगला देखो, अगला 1516 से 18 के बीच में कौन यात्री आया था, डिग्मो पायस। डिग्मो पायस ये पुर्तगाली था, और किसके समय आया था, कृष्णदेव राय के समय आया था। वास्तव में कृष्णदेव राय, कहा जाता है विजयनगर का सबसे महान शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय था, जिसके दरबार में अष्ट दिग्गज नामक यानी कि 8 विद्वान रहते थे। और कहा जाता है ये सेना का कारभार भी देखते थे। और विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय जो था, इसने जो है कहा जाता है कि साम्राज्य विस्तार किया, और इसने जितने युद्ध लड़े सभी में ये सफल हुआ था। तो कृष्णदेव राय वास्तव में विजयनगर का उस समय उद्भव और विकास देखने योग्य था। जो यात्री आया डिग्मो पायस, इसने कहा था ऐसा मैंने पहली बार देखा, इतना वैभवशाली राजा, इसका बड़ा भूभाग पर शासन था और बहुत उदारवादी भी था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर 1520 में 1522 तक बरबोसा नामक यात्री आया, यह भी कहाँ का था, पुर्तगाली यात्री था। और किसके समय आया था, यह भी कृष्णदेव राय के समय आया था। ठीक है, तो यह भी कृष्णदेव राय के समय आया। तो ये दोनों पूछे जाते हैं क्वेश्चन मैथ्स में, तो याद रखना बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। ठीक, अगला 1535 से 37 तक एक यात्री और आता है, नूनिच। ये अश्व का व्यापारी था। किसका व्यापारी था, अश्व यानी कि घोड़े का व्यापारी था। और कहा जाता है कि यह भी पुर्तगाली था, यानी कि नूनिच जो था अच्युत देवराय के समय आया, और ये घोड़े का व्यापार करता था। अच्युत देवराय यानी विजयनगर साम्राज्य का ये भी शासक था। ठीक है, तो नूनुच की याद रखना। फिर 1588 यानी कि एंथोनी मासेराट करके, मासेराट ये भी पुर्तगाली था। किसके समय आया, अकबर के समय आया था। तो ये चीज याद रखना कि अकबर के समय पुर्तगाली कौन आया, तो मानसेराट ये आया। 1585 से 51 के बीच में कौन आया, राल्फ फिच। एक विलियम फिच है,
वो जहांगीर के समय आया, लेकिन राल फिच की बात करें तो याद रखना कि ये अंग्रेजी यात्री, प्रथम अंग्रेजी यात्री था। भारत में पहली बार कोई अंग्रेजी यात्री अगर आया है तो ये राल फिच है, ठीक है, ये अंग्रेजी यात्री था और अकबर के समय आया था, ठीक है। 16वीं शताब्दी, यानी कि सीजर कौन था, सीजर फेडरिच। तो सीजर फेडरिच जो था ये भी पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर के पतन के बाद आया था। सीजर फेडरिक ने कहा, ने वैभवशाली राज्य का इस तरीके से पतन होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की। क्योंकि अगर देखा जाए कृष्णदेवराय के समय जो लोग आते थे, का इतना वैभवशाली राज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। और बाद में जब ये सीजर फ्रेडरिक आता है तो इसने कहा वास्तव में ऐसे पतन होगा ये कभी मैंने कल्पना नहीं की थी। इसके बाद 1608 से 13 के बीच में कैप्टन हाकिंस आता है, और ये एक अंग्रेज़ था, यानी कि दूसरा अंग्रेज़ ये आया, कैप्टन हाकिंस आया, और 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। कहा जाता है कि जेम्स प्रथम का राजदूत था, किसका राजदूत था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था, जेम्स प्रथम का राजदूत। और जेम्स प्रथम जो थे ये इंग्लैंड के राजा थे, का दूत ये आया और जहांगीर से इसने भेंट की। और ये कहा जाता है जहांगीर से इसने कहाँ भेंट की थी, तो आगरा में की थी। इसने अपना जलबेड़ा कहाँ उतारा था, सूरत में उतारा था। सूरत जलबेड़ा उतार के बाई रोड ये आया, और बाद में जहांगीर उस समय कहाँ पर था, तो अजमेर में था, लेकिन इसने इंतज़ार किया जब जहांगीर आता है तो उससे भेंट करता जहांगीर से। और इसके बाद जहांगीर इसको अनुमति देते हैं कि जाओ फैक्ट्री लगाने की, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने इसका विरोध हुआ वहाँ पर, तो वापस ले लेता है, लेकिन बाद में पुनः मत प्रदान करता है। और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो सूरत में लगी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला देखूं, अगला है 1608, ये कौन आता है 1608 में, विलियम फिच आते हैं। तो विलियम फिच देखो वहां पर राल फिच था, ये विलियम फिच है। तो विलियम फिच ये अंग्रेज था, किसके समय आया, तो जहांगीर के समय आया। किसके समय आया, तो जहांगीर के समय। देखो याद रखना, राल्फ फिच दिया हो तो जहांगीर अकबर लगाना, और विलियम फिच दिया हो तो जहांगीर। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से आज हमने सब लोगों की इच्छा थी कि जितने विदेशी यात्री आए हैं उनका हम क्रमबद्ध पूरा अध्ययन करवा दें, जिससे कि भविष्य में आप लोगों को क्वेश्चन गलत ना हो। अब अगला देखो, 1608 में एक और यात्री आता है, 1608 से 17 तक, जान जुरद्दा। जुरद्दा ये भी पुर्तगाली था, किसके समय आया, तो जहांगीर के समय आया था, ठीक है। तो जुरद्दा, ये जान जुरद्दा ये भी पुर्तगाली यात्री था। इसके बाद 1612 से 1616 तक कौन आया था, तो निकोलस डाउंस। देखो याद रखना, डाउनटन, डाउनटन है जो ये अंग्रेज है, किसके समय आया, तो जहांगीर के समय। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और सबसे फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि 1615 से 1619 यानी कौन आया था, सर टॉमस रो आया था, ये अंग्रेज था। और कहा जाता है सर टॉमस रो जो था ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक रहा था। कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितने दिन तक ये भारत में रहा। और याद रखना यही डेट संविधान की, यानी कि जब तैयार हुआ कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला देखिए कि 1616 से 19 के बीच में कौन आता है, एडवर्ड टेरी आया था, ये अंग्रेज पादरी था। अब देखो एक चीज और याद रखना कि जब ये सर टॉमस रो आता है तो जहांगीर से मुलाकात इसने अजमेर में की थी। कहाँ की थी, अजमेर में की थी। ये भी कई बार पूछा गया, आगरा में नहीं की थी मुलाकात, अजमेर में की थी, लेकिन जलबेड़ा अपना कहाँ उतारा, तो सूरत में।
एडवर्ड टेरी जो है ये एक पादरी था, और कहा जाता है जहांगीर ने इसका इतना स्वागत किया कि इसके गंदे कपड़े थे, उसके कपड़े यानी कि उसको नहलाया धुलाया गया, ये कपड़े उसको नए पहनाए गए, और ये कहा ये तो मेरे पिता तुल्य हैं, और अपने गले लगाया। फिर 1626 से 33 के बीच में एक यात्री आता है जान लायट। तो जान लायट आया था, ये डच यात्री था, ये चीज़ याद रखना, जान लायट डच यात्री था। किसके समय आया था? तो शाहजहां के समय आया था। जब जान लायट की बात करें तो याद रखना शाहजहां को लगा के आना, और यही 1627 से 81 के बीच में पूछा जाए जान फ्रियर। फ्रियर जो था ये रेस था, ये भी किसके समय आया? शाहजहां के समय आया था। फिर 1630 में एक 1630 से 34 तक आया, ये पीटर मुंडी है, ये इटली यात्री, इसका बहुत पूछा गया है पीटर मुंडी को, ये भी किसके समय आया? तो शाहजहां के समय आया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब अगला देखिए, इसके बाद 1641 से 87 के बीच टवेनियर, ये एक फ्रेंच जौहरी था, यानी कि एक सुनारी का काम करता था, ये दोनों के समय आया। पहले आता है शाहजहां के समय, आके फिर चला जाता है, बाद में पुनः फिर आता है सेकेंड बार, तो औरंगजेब के समय आया। पहली बार जहां शाहजहां के समय, फिर इसके बाद औरंगजेब के समय भी टवेनियर आता है, और ये फ्रेंच का है ना, तो याद रखना जौहरी यानी सुनारी का काम करता था। तो ये चीज़ याद रखना मित्रों, ये थे क्वेश्चन जो विगत वर्ष में विदेशी आए उनके विषय में, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ ये प्रश्न ना पूछे गए हो। तो इसको हमने क्रमबद्ध आप लोगों को समझा दिया। अब इसके बाद हम थोड़ा यूपी कल्चर की बात करते हैं, यूपी कल्चर से भी देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी कल्चर से। यूपी कल्चर के जैसे यहाँ से देखना भाई कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि ये दिया है कि उत्तर प्रदेश के पक्षी वन जीव विहार, यहाँ दिया है पक्षी वन जीव विहार दिया है, ये मैप में दिया गया है, आपको जरा देखना इसको। तो जैसे कि ये पूछा जाता है कि सामान पक्षी विहार कहाँ है, तो सामान पक्षी विहार कहाँ है तो मैनपुरी लगाएंगे, सामान पक्षी विहार कहाँ है तो मैनपुरी लगाएंगे, कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है, तो याद रखना लाख बहोसी कहाँ है तो ये कन्नौज में है। फिर इसके बाद हरदोई में पूछा जाएगा, तो ये साड़ी पक्षी विहार है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी देखना है। और इसके बाद देखो शहीद चंद्रशेखर आजाद, पहले ये नवाबगंज पक्षी विहार था, सबसे पुराना पक्षी विहार कौन था? तो यही था, सबसे पुराना पक्षी विहार यही था, सबसे पुराना, अगर सबसे पुराना एक बात करते हैं तो यही था। ठीक है, तो सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार, अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया, तो नवाबगंज का याद रखना चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है? तो उन्नाव में है। कहाँ है ये? उन्नाव में, याद रखना ये कहाँ पर है? तो उन्नाव में है। देखो सबसे बड़ा पक्षी विहार लागबोसी पक्षी विहार कन्नौज में, और सबसे छोटा पक्षी विहार तो शेखा पक्षी विहार है, ये अलीगढ़ में है, ये क्वेश्चन याद रखना। इसके पहले जो था नवाबगंज था, लेकिन अब ये हो गया। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन और कि ये देखो कि एक पक्षी विहार बखीरा पक्षी विहार है, यह भी देख लेना, यह भी पूछा जाता है, ये बखीरा तो संत कविदास नगर, ये एक बखीरा पक्षी विहार, ये भी देख लेना, ये भी पूछा गया। बलिया वाला ज़्यादा पूछा जाता है, बलिया वाला जो पक्षी विहार है ये जयप्रकाश नारायण सुरहताल पक्षी विहार, ये कई बार पूछा भी गया है, ये बहुत बड़ा पक्षी विहार था, ये भी
ये इसको देख लेना, ठीक है। और इसके बाद रायबरेली वाला भी पूछा गया है, ये समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो रायबरेली में है, ठीक है। रायबरेली में ये समसपुर पक्षी विहार है, और इसके बाद प्रतापगढ़ में एक पक्षी विहार है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, मायावती के समय बना, ये पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, ठीक है। तो ये है पक्षी विहार, तो पक्षी विहार से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, हमने सोचा ये भी आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ये भी देख लो कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो ये संकट ग्रस्त विलुप्त जीवों के लिए विवरण देता है, कौन, तो रेड डाटा देता है। रेड डाटा किसका विवरण देता है, जो विलुप्त हो गए पक्षी उनका डाटा देता है, ठीक है। फिर इसके पीपुल्स पार्क एंड चाइल्ड लाइफ बुक वन जीव संरक्षण से आंदोलन हेतु तो अति महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, यानी कि पीपुल्स पार्क एंड चाइल्ड लाइफ बुक नामक जो पक्षी विलुप्त हो गए उनकी जानकारी देते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पटना पक्षी विहार एटा को अभयारण्य घोषित किया है, ये चीज़ याद रखना, अभी किया गया। एटा ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, पहले यही था, याद रखना, सबसे छोटा पहले ये था, लेकिन अभी हमने बताया अलीगढ़ वाला हो गया। प्रदेश में पक्षियों के प्रति आग जनता जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष क्या दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखना। इसके बाद लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यानों की तितली पार्क का निर्माण किया गया, अभी पूछा गया था कि तितली पार्क का निर्माण कहाँ कहाँ किया गया, तो लखनऊ और कानपुर में किया गया, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में तितलियों की संख्या कम होती जा रही, इसी वजह से ये ऐसा किया गया है कानपुर और लखनऊ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और जरा देखिए, ये दिया है कि तितलियां फूलों के परागण और बीजों के अनुकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, भाई ये चीज़ सभी को मालूम होगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मथुरा के वृंदावन मयूर में संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये भी पूछा गया था, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घड़ियाल प्रजनन और पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, ठीक है। कहाँ चलाई जा रही, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए, तो उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही, ठीक है। गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के विस्तार से संबंधित पुनर्वास योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, यानी कछुओं के लिए भी कर रही है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद दिया है इको डेवलपमेंट योजना संरक्षित वन क्षेत्रों के निकट वन उपवन विकसित करने की योजना चल रही है, ठीक है, ये भी याद रखना। इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क जो है ना, अभियोजित होकर उत्तर प्रदेश जनपद इटावा के बब्बर शेर। अब देखो एक चीज़ कई बार पूछा गया कि बब्बर शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया, कई बार पूछा गया था, तो ये इटावा से है, इटावा से ये संबंध, बब्बर शेर वाली बात, तो ये कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखना बब्बर शेर से इटावा से संबंधित है और मुलायम सिंह थे उन्हीं के समय की बात है। तो ये चीज़ रही मित्रों, ये थे क्वेश्चन आज के, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। और इसके बाद कुछ और देखते हैं, आपको डाले हैं थोड़ा सा, उसको भी बता दें, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो, ये वन जीव विहार भी है, ये भी पूछो, उत्तर प्रदेश के वन जीव विहार, इसमें भी थोड़ा सा जो मुख्य मुख्य है उनको देख लो, जैसे कि ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये पीलीभीत में हो गया, सेम डिटो नाम हो गया, ठीक। इसके बाद खीरी वाला जो है, ये दुधुआ राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व, ये किशनपुर वन जीव विहार, ये चीज सबसे पुराना यही है, ठीक है, दुधुआ राष्ट्रीय। फिर इसके बाद बहराइच में जो है कंतरिया घाट वन जीव विहार है, बहराइच वाला, ये भी याद आप रखना, ठीक है। फिर इसके बाद गोंडा वाला याद रखना, ये पूछा गया कि पार्वती अरंग वन जीव विहार कहाँ, पार्वती बस याद रखना,
माता पार्वती का नाम, तो ये गोंडा, ठीक है। फिर इसके बाद महाराजगंज वाला भी देख लेना, ये पूछा गया, तोड़ी वारदा वंजी विहार ये भी देख लेना, है ना। इसके बाद हस्तनापुर, ये मेरठ, चूंकि हस्तनापुर के विषय में आपको मालूम ही है कि एक युद्ध हुआ महाभारत वाला, तो हस्तनापुर ये भी याद रखना मेरठ में। ओखला, ओखला वाला कई बार पूछा भी गया है, ये गाजियाबाद में ओखला, ठीक है। ओखला वन जीव विहार कहाँ है, तो गाजियाबाद में है, ठीक है। तो पटना ये कहाँ पर है, एटा में है। पटना वन जीव विहार यानी कहाँ पर, एटा। पटना के पास पटियाली है जहाँ अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ठीक है, कई बार पूछा गया है। चंबल वन जीव विहार कहाँ पर है, तो इटावा में है, चंबल वन जीव विहार, ठीक है, चंबल वन जीव विहार ये इटावा में है। इसके बाद एक दो और हैं, जैसे कि ललितपुर वाला याद रखना कि महावीर स्वामी वन जीव विहार, ललितपुर उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा स्थान है, देखो ध्यान देना, जब क्वेश्चन पढ़ो तो कुछ ना कुछ चीज जोड़ते जाओ। यहाँ पर क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम का मात्र एक स्थान जो उत्तर प्रदेश है जहाँ पर मिलता है, उत्तर प्रदेश मात्र एक स्थान कौन है जहाँ यूरेनियम मिलता है, तो ये ललितपुर है। कौन है, ललितपुर, ये कहाँ पर पड़ता है, झांसी के पास, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये झांसी के पास है, ठीक है, झांसी, झांसी, ठीक है, तो ये झांसी के पास, ठीक। तो ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी का नाम मालूम ही होगा कि 24वें तीर्थकार थे, उन्हीं के नाम पर ही महावीर स्वामी वन्यजीव विहार रखा गया है, ललितपुर में है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और एक और याद रखना कि चंदौली, चंदौली में एक ये भी है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौली में हो गया, है ना। और ये कछुआ वन्यजीव विहार, ये वाराणसी में हो गया, ठीक है। और कैमूर यह भी याद रखना, मिर्जापुर कैमूर हो गया। तो इतने ये हैं पक्षी विहार, जरा देख लेना इनको, ठीक है। तो पक्षी विहार से पूछ भी दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और देखो, ध्यान देना, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है विशेष, तो ये चीज है। तो मित्रों याद रखना, ये जो हमने बताए हैं ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर रखते हैं, जब आप पीसीएस का एग्जाम देने जाएं चाहे समीक्षा अधिकारी का, तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है कि जरूर पूछा गया है। तो मैंने सोचा इनको आप बता दिया जाए। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो अपनी समाप्त करते हैं, अगली फिर पुनः दूसरी वीडियो में मिलेंगे जब बनाएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगी जो अब बनाने जा रहे हैं। कारण ये है कि समीक्षा अधिकारी को देखते हुए जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम बहुत फोकस कर रहे हैं कि वहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए।